हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। आई एम क्वाइट श्योर कि आप अच्छे कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी 2 मंथ बाकी है आपका एग्जाम के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू कि ये जो सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में आपको अच्छे से पता है कि 20 क्वेश्चन रहता है, उनमें से आपको 15 क्वेश्चन करना होता है। और जो अगर मार्क्स के बारे में सोचोगे कि 30 मार्क्स जो रहता है इस पोर्शन से रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ लॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत अच्छे से सोच कर देखो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है, आपको अच्छे से पता है आप जो एग्जामिनी हो सारे साइंस का स्टूडेंट हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, अगर आप देखोगे ना तो कोई इंग्लिश पूछा जाएगा, नथिंग, जस्ट इट विल बी बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स वाला सेंस एंड लॉजिकल वाला सेंस। और एप्टीट्यूड स्टूडेंट एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पे ना तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मोस्टली वी डिपेंड ऑन द योर लॉजिकल सेंस जो आपका साइंटिफिक ट्रेनिंग में ऑलरेडी होता है। ऑब्जर्वेशन करके, चीज़ों को समझकर, अंडरस्टैंड करके एक कंक्लूशन तक जाना, यही चीज़ आपको ज़रूरत है एप्टीट्यूड के लिए। स्टूडेंट, हमारा सबसे बड़ा गलती होता है, हम इस पोर्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। आई एम शेयरिंग स्टोरीज विथ यू जो हम यहाँ पे आईएफएस में लाइव बैच में पढ़ाते हैं। जो भी स्टूडेंट है मैंने देखा, उनमें से जिसका भी थोड़ा सा इंटेलेक्ट अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, I have asked them, even without preparation in their first try, they were able to solve 13 question out of 15 question. मतलब 15 question अटेंड किया था, 13 question करेक्ट था, यानी कि 25 मार्क्स उसका आया था ओनली एप्टीट्यूड से। मेरा जितना दोस्त टॉप रैंकर्स था स्टूडेंट, बिलीव मी, ऑल ऑफ देम दे हैव सॉल्व 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन इन एप्टीट्यूड। तो आप क्यों नहीं स्टूडेंट? आई एम टेलिंग यू, इन योर प्रिपरेशन मेक इट इनटू अ प्लान। फिर से बताऊं मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टूडेंट, जो कैट एग्जामिनेशन होता है उधर भी लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो टॉप रैंकर्स होता है दे सिक्योर 100% मार्क्स। इफ यू विल टॉक अबाउट एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहाँ पे ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लॉजिकल पार्ट रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें 100% मार्क्स का टारगेट लेकर चलता है। आई एम टेलिंग यू दिस आइडिया कि स्टूडेंट खुद पर बिलीफ रखो, 30 आउट ऑफ 30 आता है, जी हाँ, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है। अब थोड़ा आ जाइए स्टैटिस्टिक्स पे। मान लीजिए एप्टीट्यूड में आप 30 आउट ऑफ 30 ये टारगेट लेकर पढ़ाई कर रहे हो, 25 से 30 मार्क्स के गैप में आप मार्क्स लेके आ रहे हो। अब सबको पता है स्टूडेंट, चाहे आप फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर आप लाइफ साइंस का हो, आपका जो कट ऑफ है नियर अबाउट 120 जो एक मार्क्स अगर आप पकड़ के चलोगे आउट ऑफ 200, तो ये 120 मार्क्स में स्टूडेंट मोर देन 25 अगर आप एप्टीट्यूड पे ला सकते हो, आपको पार्ट बी और पार्ट सी से 90 मार्क्स लाना है। मॉक टेस्ट देकर देखो, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो तो आपको वो मार्क्स हंसते खेलते आ जाते हैं। So main gap is this aptitude student. You are very much focused in subject, that's fantastic. But ultimately this is an examination where your only sole purpose is to crack it. अच्छे से marks लेकर CSIR JRF मिलना आपका target है। I am telling you, इस portion पे 30 out of 30 target आप कर सकते हो, बहुत ही feasible है। सारे top rankers जो है CSIR NET का, दे आर सॉल्विंग 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। हाँ, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स होता है जो एप्टीट्यूड को कम करके भी सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देता है, बट दैट परसेंटेज इज वेरी लो। इफ यू थिंक अबाउट द स्कोरर, द टॉप रैंकर्स, मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी एंड यू नीड टू जस्ट इंक्लूड दिस एप्टीट्यूड कंसिस्टेंटली इन योर स्ट्रैटेजी। आपका स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए जिससे इस पोर्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सको। बिलीव मी, इसमें ना तो मैथ्स का फॉर्मूला होता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आपको लग सकता है कि मैं बहुत दिन पहले मैथ कर चुका हूँ अगर आप बायो का हो, लेकिन बिलीव मी ये आपका लॉजिकल सेंस यूज करते हैं। और वो तो चीज आपका लगता ही है, लॉजिकल सेंस एंड एनालिटिकल सेंस, जो आप ग्रुप बी और ग्रुप सी में ऑलरेडी करते हो। तो जिस चीज में आप माहिर हो उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान को एप्टीट्यूड की तरफ रखकर क्या सिलेबस है प्रॉपरली अगर आप पढ़ाई करते हो स्टूडेंट, 20 क्वेश्चंस में आप देखना ज्यादातर 70 to 18 क्वेश्चंस आपको पहचान वाला आएगा कि हाँ ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का इस टाइप का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल डिडक्शन का इस टाइप का क्वेश्चन है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन सॉल्व इट। वंस यू हैव दिस 15 out of 15 क्वेश्चन विल बी नथिंग एंड मोर थिंग स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशनल स्किल, लॉजिकल डिडक्शन, ये जो थिंग है, जो जो फैक्ट है, इसको करते करते एक जो हैबिट होता है, आप देखना जो प्रिपरेशंस भी कभी कभार किसी का एप्टीट्यूड अच्छा होता है देखकर ही आंसर बता देता है। यानी कि अगर आप सोचोगे कि 5 to 10 सेकेंड स्टूडेंट कि अगर किसी क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आपको अच्छा आएगा 5 to 10 सेकेंड उस क्वेश्चन पे लगेगा, मतलब बहुत ही बढ़िया टाइम सेव होगा। अगर 15 क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ और मानिए सारे क्वेश्चन में आप 2 मिनट जो मैं बताता हूँ कैलकुलेशन, तो 30 मिनट्स का एक बात है स्टूडेंट। इन 30 मिनट्स में आपको करना है ये 30 मार्क्स, तो एक 30-30 का गेम है स्टूडेंट। उनमें से जो क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड में हो जाता है, एप्टीट्यूड में 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसा होता है जो देखकर आपको करने का क्षमता रहता है। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, वंस यू आर सो मच डिटरमाइंड कि मुझे ये मार्क्स लाना है, श्योरली आप कर सकते हो। तो 5 से 6 क्वेश्चंस में आपको टाइम बच जाएगा। तो ये 30 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ टू स्कोर 30 out of 30 मार्क्स। और 30 मिनट्स में अगर ये 30 मार्क्स आ जाएगा स्टूडेंट, CSIR नेट आपके लिए कंफर्म्ड है। जिस स्टूडेंट्स का एलएस नहीं हो रहा था, इस साल इस स्ट्रैटेजी से आपका एलएस हो जाएगा। जिस स्टूडेंट का एलएस तो हो रहा था, JRF नहीं निकाल रहा है, देखिए सब्जेक्ट का आपका एक लेवल हो चुका है, एप्टीट्यूड पे ध्यान दीजिए, आपका JRF हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट का JRF पे रैंक आ रहा है, टॉप रैंकर सर बन सकते हो अगर आप ये वाला चीज आपके प्रिपरेशन में इंक्लूड करोगे। बिलीव मी, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जो मार्क्स आएगा वो जरूर आएगा, वो मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा पूछ जरूरत है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन में। पहले बिलीव कीजिए ये इजी है, क्योंकि सारे चीज आप पढ़ चुके हो कभी ना कभी। और सेकंड थिंग, जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल सेंस यूज होता है, आप साइंस का स्टूडेंट हो स्टूडेंट, यही चीज तो हम करके आए हैं, राइट। सो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, प्लीज ये जो चीज़ है प्लान पे इंक्लूड कीजिए, इट इज़ क्वाइट फीजिबल। बहुत सारा स्टूडेंट देख चुका हुआ अभी तक जो टॉप रैंकर्स है, चाहे वो लाइफ साइंस का है, फिजिकल साइंस का है, केमिकल साइंस का है, या फिर मैथ्स का है, दे आर ऑल स्कोरिंग वेरी वेरी परफेक्टली 15 out of 15 क्वेश्चन। दैट मीन्स 30 मार्क्स इन CSIR ने जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए वाला पोर्शन में। एनीवे स्टूडेंट्स, आई होप मैं आपको बता चुका हूँ कि आइडिया क्या है। अब इस पे काम करना शुरू कर दीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।